ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को पूना में मौत के घाट उतारने वाले हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुखा के नियमित श्री हरिमंदर साहिब परिसर स्थित झंडा बोंगा गुरुद्वारा में रखवाए गए श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। इस मौके पर इंदिरा गांधी के कातिल सतवंत सिंह और हरजिंदर सिंह जिंदा के भाई को SGPC की ओर से सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस बार इस भोग में SGPC के पदाधिकारी और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार शामिल नहीं हुए। भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, जिन्होंने जनरल वैद्या जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत वालों फौज लैके सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते होर गुरु स्थानों ते चढ़ के आया सी, उन्हों पूने विखे गोलियां मार के सदा दी नींदे सुआया। समय दी हकूमत ने भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, उन्हां नूं फांसी ते चाढ़ के शहीद किया। अज ओ सिख कौम दे दो हीरियां दा शहीदी दिहाड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे, श्री अकाल तख्त साहब जी विखे, गुरद्वारा झंडा बूंगा साहब जी विखे, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, श्री दरबार साहब वालों, समुचियां सिख जथेबंदियां दे सहयोग नाल, सिख संगतां दे सहयोग नाल बड़ी ही भावना सहित मनाया गया है, जिस विच सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी जथेदार श्री दमदमा साहब जिन्होंने बहुत लंबा समा सेवावां निभाईआं उन्होंने शमूलीयत की है, और सरदार कंवरपाल सिंह जी दल खालसा दे वीर धामी साहब जी, सरदार करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद, और भाई हरजिंदर सिंह जी दे भ्राता सरदार भुपिंदर सिंह जी, और सरदार सुखदेव सिंह जी दे सत्कारयोग भैन जी, अते सारा ही परिवार अज इत्थे एकत्र होया है। सरदार जरनैल सिंह जी सखीरा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों वो भी हाजिर होए ने, और बहुत सारे गुरमुख प्यारे अज इन्हां शहीदी समागमां विच हाजिर होए ने। तो अज उन्हां शहीदां दा शहीदी दिहाड़ा जिथे श्री दरबार साहब जी विखे बड़े प्यार नाल मनाया है, उत्थे अज गदली पिंड विखे भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा दे नगर विखे भी अज सारा दिन सुंदर दीवान सजाए जाने ने, अते बुलारियां ने उन्हां दे जीवन ते भावपूर्त चानण भी पाउणा है। सतगुरु रहमत करन ऐसे हीरे संसार विच आउंदे रहन, क्योंकि गुरु का सिख जिहड़ा है वो अपने गुर अस्थाना प्रति और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति कोई ऐसी भद्दी शब्दावली जां कोई हमला करके आउंदा है ते उहनू कदे वास्ते वो जरदा नहीं। उहनां गुरु के सूरमियां ने ये जो कुछ कारा होया सी इहनू ना जरदिआं जनरल वैद्या नूं गड्डी चढ़ाया अते आप शहादत प्राप्त की, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा प्यार सत्कार सहित मनाया जा रहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं वीर हरजिंदर सिंह वीर सुखदेव सिंह दी सिस्टर बोल रही हाँ। सिख कौम नूं मेरी तो यो ही बेनती है कि अपने मना चो गुस्से गिले कढ के बरसियां दा एडा चा नहीं जो कि सिख कौम दा चा वा। वीरां ने आख्या सीगा कि ये जिहड़ी जिंदगी है साडी खालिस्तान दे लेके, खालिस्तान कोई खालिस्तान नहीं गा, ये सच दा मार्ग आ। सच दे मार्ग ते चलना, आपां नितनेम करके अपने मनां नूं साफ करना, शांति विच लियाउणा, ते शांति विच लिया के ये संघर्ष सदीवी आ, ये सदा ही चलता रहना, क्योंकि ये साडा फर्ज बनता है कि जिथे भी किते जुल्म हुंदा उत्थे खड़ जाइए ते गरीब दा भला करिए। साड़ी एहो ही सब तो वड्डी कौम वा प्रति सेवा वा, क्योंकि ये सेवा विच ही अहीं बदला लिया है, ते ये सेवा इस तरह ही जिन्हें भी ये सेवा करनी है सारे वीरां नूं सारे सिंघां नूं इस गल ते चानना पाउनी मैं। उसकी नमाणी जी भैन हो के अपने नितनेम च वाधा करो, अगे तो ये सोचो कि आपां सच दी कमाई करनी है, सच ते तुरना है, ते सच दा बेड़ा पार हुंदा है। इस करके सारी सिख कौम नूं मेरे वल्लों बेनती है कि ये सच दे मार्ग ते चलीए,
वीरां दे मार्ग ते चलिए। वीरां ने आख्या ये पेंडा बहुत औखा है पर इन सच दे तौर ते चलांगे ते कदी जिंदगी विच असीं धोखा नहीं खावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा।